दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो अपने YT स्टूडियो को ओपन कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्टैंड आउट, यहाँ पर लिखा होगा चूज नाउ डिसमिस, ठीक है। इस तरीके से आपके YT स्टूडियो में शो हो रहा होगा। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई मेरे में शो नहीं हो रहा है, तो बट मैं आपको ये किस तरीके से अप्लाई करूँ, अपना हैंडल बनाऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको हैंडल के बारे में बता दूं, हैंडल होता क्या है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर देखते होंगे @ करके हमारे चैनल का नाम होता है, और जो हम लोग यूजर नेम बना लेते हैं, जैसे ही हम उसको टैग करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही होता है। और आपने यूट्यूब पर देखा होगा, इससे पहले जब YouTube पर हम किसी को टैग करते थे @ मान लो मनोज दे लगाते, तो उसके नीचे मनोज दे के नाले नीचे बहुत से और भी मनोज दे आ जाते थे। तो अब YouTube ने क्या सोचा है कि भाई जिसका अगर जिसको हम टैग करना चाहते हैं, जिसका जो हैंडल है, जिसका @ करके नाम है चैनल का, URL है, ठीक है, तो अब हम उसको पर्टिकुलर वही देंगे, वही बंदा एक होगा। अगर मनोज दे है तो @ मनोज दे, सिर्फ यही हैंडल सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा और किसी के पास नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब ने ये एक चेंजिंग किया, ठीक है। तो बहुत से लोगों की परेशानी ये है यहाँ पर कि उनको हैंडल नहीं मिल पा रहा है अपना, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर उनको शो नहीं हो रहा। तो वो बोल रहे भाई मैं अपना हैंडल कैसे चेंज करूँगा, कैसे अपना हैंडल भी मैं सजेस्ट कर मतलब बनाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको अपना हैंडल कैसे बनाना। अगर आपके में ये नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो भी आप अपना हैंडल बना सकते हो, किस तरीके से बनाना है वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता चलूँगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखना और समझ जाओगे कि किस तरीके से हैंडल हमको सेट करना है, अगर आपके में नोटिफिकेशन भी नहीं शो हो रहा है तो। तो दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ पर कंप्यूटर में यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर लिखा है चूज नाउ, ठीक है, और यहाँ डिसमिस। अगर डिसमिस कर देंगे तो ये हमारे से चला जाएगा नोटिफिकेशन, बट हमें डिसमिस नहीं करना, हम यहाँ पर चूज नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक दूसरा यहाँ पर विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है, एक दूसरा विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है youtube.com/handle, ठीक है, ये आपको इस तरीके से खुलकर आता है। जैसे दोस्तों हमने अपना क्या किया था, कुछ समय पहले जब हमको ये यूट्यूब ने मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने अपने चैनल का नाम कस्टमाइज कर लिया था, जो हमारा URL है वो मैंने कस्टमाइज कर लिया था। जब मैंने कस्टमाइज किया था, वहाँ पर www.youtube/wifitechnical.com करके मैं जब कोई भी सर्च करता है तो मेरा चैनल सामने आ जाता है। तो मैंने तो पहले से ही यहाँ पर कस्टमाइज करके रखा था। तो यूट्यूब ने क्या करा कि बोला है कि भाई अगर आपका जो पहले हैंड आपने कस्टमाइज किया था अपने URL को, तो हम आपका वही URL हैंडल पर भी सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, यूट्यूब ने मेरा @wifitechnical यहाँ पर सेट कर दिया। बट अगर मैं चाहूँ, ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो ये हैंडल हटाकर दूसरा भी ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखकर आ रहा है चेंज हैंडल। अगर मैं इस पर चेंज हैंडल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये यूट्यूब की तरफ से ये आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेरीफाई, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बट मुझे चेंज नहीं करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है इसके लिए आपको, बट मुझे दोस्तों यहाँ से चेंज नहीं करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँगा, फिर से बाकी वापस मैं वहाँ पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना है कि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो youtube.com/@wifitechnical, ये हमारा हैंडल यूज़र नेम भी है, साथ ही साथ ये हमारा हैंडल भी है, ठीक है। @wifitechnical आप सर्च करोगे, मेंशन करोगे, तो डायरेक्ट मेरा ही हैंडल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब ने इतना बता दिया, अब ये सब लिखा है उसके बारे में कैसे क्या करना। मान लो कि कोई बंदा है, मान लो कि जैसे मेरा चैनल है शैलेन गुप्ता नाम से, मैंने चैनल बनाया, ठीक है, मैंने वहाँ पर हैंडल मैंने जब सेट किया तो मैंने शैलेन गुप्ता नाम से ना आकर, अगर वहाँ पर किसी ने शैलेन गुप्ता का हैंडल किसी और ने अगर ले लिया, तो हमारे पास वो हैंडल नहीं आएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अब करना क्या होगा कि मान लो कि आपका जब 100 सब्सक्राइबर हो जाता है, तो आप वहाँ पर कस्टम URL अपना पहले से सेट कर लो। कस्टम URL अगर आप सेट कर लेते हो तो आपको हैंडल बनाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब खुद आपको पहले वाला जो कस्टम URL है जो आपने सेट किया था पहले अपने नाम के हिसाब से, वही आपका यूट्यूब बना देगा आपका हैंडल। तो इसी तरीके से आप हैंडल भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका नहीं आ रहा, आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है इस तरीके से, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो पेज ओपन होगा तो आप वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे यहाँ पर लिखा होगा चेंज हैंडल, या फिर यहाँ पर कुछ और तरीके का इंटरफेस शो होगा, वहाँ पर आपको दिया होगा। अगर आपका नहीं बना है अभी तक हैंडल, तो आप वहाँ से अपना हैंडल बना लोगे, अगर बन चुका है तो यहाँ से आप अपना हैंडल चेंज कर लोगे, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन देना चाहा दी है वो आप उसे संतुष्ट हो गए होंगे। अगर आपके किसी तरीके की प्रॉब्लम, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताना, इस वीडियो में मुझे कमेंट करके आप बताना।
ठीक है, कि आपका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर मैं उसके लिए आपको सलूशन दूंगा, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही मुझे लगा कि आप लोग बहुत मुझे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई हैंडल के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आपके सारी डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने सोचा कि देखो अपनी ऑडियंस है, उसको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। साथ ही साथ जो आपका हैंडल नहीं शो कर रहा, आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, मेल नहीं आया, तो आप इस तरीके से अपना हैंडल बना सकते हो। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपकी यहाँ पर हेल्प भी करते हैं, साथ ही आपके एडसेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। आप मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।